तो हम बात करते हैं हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास सीपीयू वाइज खत्म हो चुकी है, अब बची है फाइल वाइज, तो मैं बात करता हूं। तो आईफोन की फ्लैशिंग कर लेंगे, मीरा टेक की, कॉलकम, एमआई, सैमसंग, एसपीडी, ठीक है, वेरी गुड। अब दो टूल होते हैं, आईट्यून होता है और थ्री यू टूल होता है, आईट्यून और थ्री यू। आप पहले से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सर मैं फ्रेशर हूँ सर। आप भाई ये बताइए, आप कितनी इजी लगी आईफोन की फ्लैशिंग? बहुत इजी लगा सर। अब आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आप छोटा सा ये बता दो कि आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके आप कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मतलब सही चूज किया कि? सही चूज किया, मैं कह रहा हूँ सही चूज किया। चलिए अब मैं करता हूँ, इन्होंने बताया सैमसंग की मोड, दो मोड से एफआरपी हटा सकते हैं। कितने मोड एफआरपी हटा सकते हैं? कौन कौन से? तो डाउनलोड मोड से तो नॉर्मल हम हटा ही सकते हैं। अब हमारा एडीबी हटाने के लिए, अब दूसरा मोड किस मोड से हटाएंगे? एडीबी मोड से। तो एडीबी क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सैमसंग का फोन एफआरपी पे आया है, क्या उसका नॉर्मल तरीके से एडीबी ऑन हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं, अगर उसके लिए एडीबी इनेबल करने के लिए क्या करना है सर? उसके लिए हमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन फ्लैश फ्लैश करना। आप बिल्कुल फ्रेशर है कि पहले काम करते थे? अब आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। मतलब आप सॉफ्टवेयर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मैंने सॉफ्टवेयर शुरू होने से पहले एक चीज बोली थी, किसकी किसकी बज रही है, किसकी नहीं बज रही है? सबकी बज रही है कि नहीं बज रही है? मेरे को लग रहा है नहीं बज रही है, ऐसे ही दो तीन हाथ नहीं उठ रहा है। मतलब सबकी बज रही है, कर लेंगे। मीडिया टेक की फ्लैशिंग किस मोड में होती है? फ्लैश मोड से। तो मीडिया टेक की फ्लैशिंग सभी कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे? फाइल तो कॉलकम में कौन सी फाइल आती है? fireash.mbn। वेरी गुड। चौथा कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? उसका टूल्स जानना होता है। टूल तो कॉलकम में कौन सा टूल यूज होता है? QPST आता है, QFIL भी आता है। वेरी गुड। चौथा हमारा कॉन्सेप्ट टूल होता है QPST या तो QFIL। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोड तो कौन से मोड में फ्लैश होता है कॉलकम? ईडीएल मोड में होता है। वेरी गुड। अब हमारा ये बात करते हैं कि कॉलकम का ईडीएल मोड कैसे कैसे आ सकता है? ईडीएल मोड है प्लस माइनस। पहला तो हमारा है कौन सा में कौन सा टूल यूज होता है? कितने टूल यूज होते हैं? तीन टूल यूज होते हैं। पहला आप बता दो, दूसरा आप बताओ अपग्रेडेड टूल, चौथा बताओ। चलिए मैं आप नेक्स्ट पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद अब क्या करना होता है, आप बताओ। मोड सर। मोड तो स्पेक्ट्रम किस मोड में फ्लैश होता है? कौन से मोड में? फ्लैश मोड में। फ्लैश मोड तो फ्लैश मोड क्या क्या होता है ये बता दो। फ्लैश मोड में लाने के लिए वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एक साथ, नहीं तो भी वॉल्यूम अप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन या तो दोनों या तो कुछ नहीं। इंडिया का नंबर वन सीट कौन है? अभी लगा कि प्रॉपर में आप। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका चैनल एशिया टेलीकॉम, मैं दुर्गेश कुमार सोनी और ये हमारी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के 28 नवंबर की बैच चल रही है यहाँ पे। तो हार्डवेयर की सेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं ये हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास चल रही है और हमारे सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्लास चल रही है। तो सॉफ्टवेयर हम पूछना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार। कौन कौन सी? सीपीयू वाइज, फाइल वाइज। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में कितने काम आते हैं? दो काम। कौन कौन से? फ्लैशिंग और एफआरपी। फ्लैशिंग और एफआरपी। मैं आपको फिर से बता दूं, रिमाइंड कर दूं कि सॉफ्टवेयर में केवल दो ही कॉन्सेप्ट होता है, एक हमारा फ्लैशिंग और दूसरा एफआरपी। ठीक है, अब हमारा केवल दो ही कॉन्सेप्ट होता है। तो फ्लैशिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होता है? सबसे पहले सर सीपी जानना होता है, क्योंकि हम फ्लैशिंग कर रहे हैं, एफआरपी हटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है? सीपी जानना है। तो पहले अपना नाम बता दो और कहां से हैं आप? सर मैं शेख तौफीक और महाराष्ट्र से हूं। महाराष्ट्र से हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले एक मोबाइल आपका कॉन्सेप्ट आया फ्लैशिंग या एफआरपी, कुछ भी कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले हमें क्या जानना है सर? उसका सबसे पहले सीपी जानना। तो सीपी जानने के कितने तरीके हैं सर? सीपी जानने के चार तरीके होते हैं। कौन कौन से सर? पहला नंबर है मॉडल नंबर सीपी गूगल में टाइप करेंगे। दूसरा सर? दूसरा हम गूगल में टाइप करेंगे मॉडल नंबर जीएसएम अरीना। वेरी गुड। तीसरा हम सर पोर्ट बनाएंगे। सर पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट कब बनाएगा? हमारे पास ड्राइवर जब इंस्टॉल होगा, जब हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप पीसी में जब वो ड्राइवर इंस्टॉल होगा। फिर चौथा सर फ्लैश फाइल। फाइल और टूल। फाइल और टूल, क्योंकि हम फाइल से भी पहचान सकते हैं और टूल से भी पहचान सकते हैं। पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? और पांचवा तरीका मैं बता दूं आप लोग, मतलब उन लोगों के लिए है जो इन चारों में से ना मिले आपको, वो आपको पता है ना? ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है
सर दूसरा हमारा सर फाइल फ्लैश ड्राइव को सर एक्सट्रैक्ट करेंगे फाइल को। कॉन्सेप्ट हमारा सर ड्राइवर होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है? ड्राइवर होता है। तो कौन से ड्राइवर होते हैं मीडियाटेक में? सर बीकॉम प्रीलिम। क्योंकि पहले दिन की क्लास हमने टूल की, दूसरे दिन की क्लास हमारे मीडियाटेक हुआ, तो मीडियाटेक जानने के लिए सबसे पहले हमें सीपीयू जानना होता है। क्या जानना होता है? तो ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट था हमारा सीपीयू, दूसरा कॉन्सेप्ट था ड्राइवर। तो कौन से ड्राइवर होते हैं? सर बीकॉम प्रीलोडर ड्राइवर, बीकॉम प्रीलोडर यूएसबी ड्राइवर। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट? सर हमारा फ्लैश फाइल होगा। फ्लैश फाइल, तो उसमें मीडियाटेक की कौन सी फाइल आएगी? सर स्कैटर फाइल होगी। स्कैटर फाइल आएगी। चौथा? सर हमारा टूल होगा। टूल, तो मीडियाटेक में कौन सा टूल यूज होगा? सर एसटी फ्लैश टूल। चलिए ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मीडियाटेक की फ्लैशिंग किस मोड में होती है? फ्लैश मोड से। तो मीडियाटेक की फ्लैशिंग सभी कर लेंगे? कितने लोग कर लेंगे? चलिए, तो ये पहला कॉन्सेप्ट होता है जो भी है। मीडियाटेक की क्लास हमारी हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास हमारी हुई है क्वालकॉम की। अब हमारी दूसरे दिन की क्लास हुई थी, तीसरे दिन की मैं बता दूं क्वालकॉम की क्लास हुई थी। तो क्वालकॉम को जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? पहले हम सीपीयू टाइप जानेंगे। तो हमें सीपीयू टाइप, जो कि हमने सेक में बता दिया था कि कैसे हमने सीपीयू को जानते हैं, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कोई भी फोन आएगा तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है? सीपीयू जानना होता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? ड्राइवर। तो ड्राइवर, तो हम क्वालकॉम की बात करते हैं, तो क्वालकॉम में कौन से ड्राइवर यूज होते हैं? वेरी गुड। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? फाइल का होता है। फाइल, तो क्वालकॉम में कौन सी फाइल आती है? firehouse.mbn। वेरी गुड। चौथा कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर उसका टूल्स जानना होता है। टूल, तो क्वालकॉम में कौन सा टूल यूज होता है? क्यूपीएसटी आता है, क्यूफिल भी आता है। वेरी गुड। चौथा हमारा कॉन्सेप्ट टूल होता है क्यूपीएसटी या तो क्यूफिल। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोड। मोड, तो कौन से मोड में फ्लैश होता है क्वालकॉम? ईडीएल मोड में होता है। वेरी गुड। अब हमारा ये बात करते हैं कि क्वालकॉम का ईडीएल मोड कैसे कैसे आ सकता है। ईडीएल मोड है प्लस माइनस। पहला तो हमारा है कौन सा? दूसरा ईडीएल टेस्ट पॉइंट। ईडीएल टेस्ट पॉइंट, ईडीएल टेस्ट पॉइंट। तीसरा ईडीएल केबल। तीसरा ईडीएल केबल। चौथा ईडीएल जी। ठीक है, वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट दिन की क्लास थी एमआई। हमारी नेक्स्ट एमआई की क्लास हुई थी, तो एमआई का सबसे पहले हमने सीपीयू जान लिया। तो एमआई में कितने सीपीयू आते हैं? दो प्रकार के सर। कौन कौन से? मीडियाटेक और क्वालकॉम। दूसरा कॉन्सेप्ट? ड्राइवर सर। ड्राइवर, तो क्या मीडियाटेक और क्वालकॉम के लिए कुछ अलग से ड्राइवर चलाने के एमआई के लिए? चलिए, वेरी गुड। अब हमारा दूसरा, तीसरा सर फाइल होती है। फाइल, कौन सी फाइल आती है एमआई में? दो टीजी है, वो एक इमेजेस फाइल होती है। वो एक इमेज फाइल होती है। एमआई में क्या होती है? वो एक इमेज फाइल होती है। अब टूल, तो एमआई में कौन सा टूल यूज होता है? एमआई फ्लैश टूल। कौन सा टूल यूज होता है? अब नेक्स्ट मोड, तो एमआई किस मोड में फ्लैश होता है? एमआई ईडीएल मोड में फ्लैश होता है। तो मैं बता दूं, ईडीएल मोड में होता है पर प्लस उसके लिए मतलब क्या एग्जिट होगा? टेस्ट पॉइंट। एमआई के जितने फोन है वो किस कैसे होंगे? ईडीएल टेस्ट पॉइंट से। तो जो आपको सारा बताया गया है, इसमें मैं बता दूं एमआई में एक चीज और जुड़ जाती है एफआरपी के अलावा, एमआई अकाउंट। क्या और जुड़ जाती है? तो सभी लोग एमआई अकाउंट हटा लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी सैमसंग की। चलिए, हमारी नेक्स्ट क्लास सैमसंग की थी, जो कि हमने बताया आपको सैमसंग की क्लास। तो आप बताइए, तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है? सीपीयू। सैमसंग, तो सैमसंग में पहला कॉन्सेप्ट हमारा सीपीयू का। क्या हो गया? सैमसंग। तो सैमसंग में नेक्स्ट ड्राइवर, तो कौन से ड्राइवर यूज होते हैं सैमसंग में? सैमसंग यूज ड्राइवर। अब नेक्स्ट आप बताओ फाइल, तो सैमसंग में कौन सी फाइल आती है? डॉटर। नेक्स्ट आप बताओ टूल सर। टूल, तो सैमसंग में कौन से टूल यूज होते हैं? ओडिन। तो ओडिन टूल यूज होता है। नेक्स्ट मोड सर। मोड, तो सैमसंग में कौन से मोड में फ्लैश होता है? दो मोड में होता है, एक डाउनलोड मोड और एक ओडिन मोड में होता है। दोनों एक ही होता है, डाउनलोड मोड और ओडिन मोड। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब सैमसंग का क्लास, सैमसंग में कौन से, हमने फ्लैशिंग की बात की। सैमसंग में मैं एक चीज बता दूं आपको, उसकी सैमसंग को आप फ्लैश कर देंगे तो उसकी एफआरपी नहीं जाएगी। उसको एफआरपी हटाने के लिए दो क्या होते हैं, अभी हम बात करते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं सैमसंग की फ्लैशिंग की। हमने बात की सारा कॉन्सेप्ट। अब हम सैमसंग में, मैं पहले ही बता दिया आपको कि सैमसंग की अगर आप फ्लैश करेंगे तो एफआरपी नहीं जाएगी। सैमसंग में हम बात करते हैं कि अगर आपका एफआरपी, सैमसंग एफआरपी, तो सैमसंग एफआरपी कितने मोड से हटती है? कौन कौन? डाउनलोड मोड, एडीबी मोड, डाउनलोड मोड और एडीबी मोड। चलिए, मैं इनसे पूछता हूँ कि डाउनलोड मोड तो हम कहते हैं नॉर्मल, तो डाउनलोड मोड तो हमारा हट ही जाएगा। कितने डाउनलोड मोड हमारा नॉर्मल? तो मैं बात करता हूँ, इन्होंने बताया सैमसंग की मोड दो मोड से एफआरपी हटा सकते हैं। कितने मोड एफआरपी हटा सकते हैं? कौन कौन से? तो डाउनलोड मोड से तो नॉर्मल हम हटा ही सकते हैं। अब हमारा एडीबी हटाने के लिए, अब दूसरा मोड किस मोड से हटाएंगे? तो एडीबी, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सैमसंग का फोन एफआरपी पे आया है, क्या उसका नॉर्मल तरीके से एडीबी ऑन हो जाएगा क्या?
नहीं, अगर उसके लिए एडीबी इनेबल करने के लिए क्या करना है सर? उसके लिए हमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करना। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं कि पहले आप पहले काम करते थे? अब आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। मतलब आप सॉफ्टवेयर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मैंने सॉफ्टवेयर शुरू होने से पहले एक चीज बोली थी, तो किसकी किसकी बज रही है, किसकी नहीं बज रही है? सबकी बज रही है कि नहीं बज रही है? मेरे को लग रहा है नहीं बज रही है, ऐसे ही दो तीन हाथ नहीं उठ रहा है। मतलब सबकी बज रही है, कर लेंगे। चलिए, अब हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी एसपीडी की, स्पेक्ट्रम की क्लास हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, मैं नेक्स्ट क्लास हुई थी, जैसा कि मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम की क्लास हुई थी। तो स्पेक्ट्रम की क्लास में आप बताइए सबसे पहले क्या जानना होता है? सीपीयू जानना। तो सीपीयू जानने के लिए कितने तरीके, एक बार आप फिर से बता दो। चार तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक सीपीयू टाइप बोलते हैं, उसमें टाइप करना पड़ता है। क्या टाइप करना होता है? मॉडल नंबर के हिसाब से। मॉडल नंबर सीपीयू टाइप, मॉडल नंबर सीपीयू। दूसरा? और जीएसएम अरेना। मॉडल नंबर जीएसएम अरेना। क्या? मॉडल नंबर। तीसरा? और ड्राइवर के साथ। ड्राइवर एसी, मतलब पोर्ट बना के। तो हमारा जो भी पोर्ट बनाएगा। चौथा? फाइल। फाइल। तो चलिए, पहला कॉन्सेप्ट हमारा होता है सीपीयू जानना। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? अब करते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्या होता है? दूसरा? ड्राइवर। तो स्पेक्ट्रम में कौन से ड्राइवर होते हैं? एससीआई ड्राइवर। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्या है? फाइल। कौन सी स्पेक्ट्रम में कौन सी फाइल यूज होती है? पैक फाइल। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, इसमें टूल्स आता है। टूल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रम में कौन सा टूल यूज होता है? कितने टूल यूज होते हैं? तीन टूल यूज होते हैं। पहला आप बता दो, दूसरा आप बताओ सर, अपग्रेडेड टूल। चौथा बताओ। चलिए, मैं आप नेक्स्ट पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद अब क्या करना होता है, आप बताओ। मोड सर। मोड। तो स्पेक्ट्रम किस मोड में फ्लैश होता है? कौन से मोड में? फ्लैश मोड में। फ्लैश मोड। तो फ्लैश मोड क्या क्या होता है ये बता दो। फ्लैश मोड में लाने के लिए वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एक साथ, नहीं तो भी वॉल्यूम अप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, या तो दोनों, या तो डायरेक्ट इंसर्ट केबल। चलिए ठीक है। अगर आप एक छोटी सी बात और बता दो कि अगर आप फ्लैश किए तो उसकी फारपी जाएगी कि नहीं जाएगी? चली जाएगी। आप जा भी सकती है और आप बचा भी सकते हैं, और बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं? वो आपको पता है ना कि किस टूल से हम बचा सकते हैं, किस टूल से? अगर दोनों मिरर है तो क्या टूल यूज करना है? सारा चीज क्लियर है ना? चलिए, अब हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी आईफोन की। तो मैं बताता हूँ, नेक्स्ट हमारी क्लास हुई थी आईफोन की भी, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ, आईफोन में कितने टूल यूज होते हैं? दो टूल होते हैं, आईट्यून होता है और थ्री यू टूल होता है। आईट्यून और थ्री यू। आप पहले से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सर मैं फ्रेशर हूँ सर। आप भाई ये बताइए, आप कितनी इजी लगी आईफोन की फ्लैशिंग? बहुत इजी लगा सर। अब आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब आप छोटा सा ये बता दो कि आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके आप कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मतलब सही चूज किया कि? सही चूज किया, मैं कह रहा हूँ सही चूज किया। चलिए, अब मैं आप पूछना चाहता हूँ नेक्स्ट स्टूडेंट से अपने कि आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ से फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं? IPSW। गूगल में क्या टाइप करेंगे? IPSW। दूसरा सोर्सेस? टूल से, मतलब या तो आप थ्री यू टूल या तो iTunes। ठीक है, वेरी गुड। या तो हम बात करते हैं, हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास सीपीयू वाइज खत्म हो चुकी है, अब बची है फाइल वाइज। तो मैं बात करता हूँ, तो आईफोन की फ्लैशिंग कर लेंगे? मीरा डेकी? यस सर। कॉलकॉम? यस सर। MI? यस सर। सैमसंग? यस सर। SPD? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब बचा है केवल आपका, आज से क्लास होगी, स्टार्ट होगी फाइल वाइज होगी, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब बची है केवल फाइल वाइज। तो मैं फाइल का डिटेल दे दूं थोड़ा सा कि फाइल आज हमने पढ़ानी है, विंडो बैच क्या होता है, CVV फाइल क्या होती है, ओप्पो का अगर ऑनलाइन हुआ तो हम कैसे पहचानेंगे, ऑफलाइन हुआ तो कैसे पहचानेंगे दोस्तों। तो मैं इतना बता दूं आपको, अगर आपको और भी कुछ जानना है तो थोड़ा सा रिव्यू, उनसे पर्सनल रिव्यू लेते हैं कि आप फ्रेशर हैं कि बिल्कुल नए हैं? बिल्कुल फ्रेशर हैं। अब आपको सॉफ्टवेयर में कैसा लग रहा है, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मतलब आप क्या फील हो रहा है कि आपने सही चूज किया इंस्टीट्यूट की? बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर कर लेंगे? जितनी भी फ्लैशिंग के कॉन्सेप्ट है, कितने कॉन्सेप्ट? दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं सर, FRP और फ्लैशिंग। ठीक है, तो आप सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अपडेट से जुड़ना है, और भी कुछ आपको जानना है तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। बट एक चीज जो है, आवाज तो जानी चाहिए, या तो दिल से जो भी निकले आप बोल सकते हैं। तो इंडिया के नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? आवाज नहीं आ रही है, लगता है केवल एक ही बिल्डिंग में आ रही है। तो मतलब लगता नहीं कि आपने इसको सीखा है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो